हेलो फ्रेंड्स, स्टडी लैंड पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अविश्वास प्रस्ताव यानी नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में। हाल ही में ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा चर्चा में है। जैसे कि आपको पता ही होगा कि पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया था, जिसमें हाल ही में उनकी सरकार गिर गई है। तो चलिए, इसी टॉपिक को आज हम समझेंगे कि अविश्वास प्रस्ताव होता क्या है और संविधान इसके बारे में क्या कहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले दोस्तों, करंट में ये न्यूज़ चल रही है कि 10 अप्रैल को यानी शनिवार को देर रात पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, जिसमें उनकी सरकार के खिलाफ 174 वोटों के तहत सरकार गिराई जा चुकी है। दोस्तों, पाकिस्तान में पार्लियामेंट में नेशनल असेंबली में टोटल 342 सीटें हैं, जिसमें बहुमत हासिल करने के लिए 172 की सीटें चाहिए होती हैं, यानी 172 वोट चाहिए होते हैं। और अविश्वास प्रस्ताव में इसे पारित करने के लिए 174 वोटों से यह पारित किया गया और इमरान खान की सरकार गिर गई। दोस्तों, अगले प्रधानमंत्री के रूप में शहबाज शरीफ को देखा जा रहा है। दोस्तों, तो चलिए अब हम बात करते हैं अविश्वास प्रस्ताव होता क्या है। एक और चीज़ आपने नोट करनी है कि इमरान खान अविश्वास प्रस्ताव से हारने वाले पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री भी बन गए हैं। दोस्तों, तो चलिए अब हम बात करते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में। दोस्तों, अविश्वास प्रस्ताव भारतीय लोकतंत्र और संसदीय प्रक्रिया का एक अहम हिस्सा है। दोस्तों, इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन आर्टिकल 75 से यह संबंध रखता है। दोस्तों, जब भी किसी विपक्ष पार्टी को यह पता लगता है कि मौजूदा सरकार जो रूल कर रही है उसके पास बहुमत का आंकड़ा नहीं है, तो वह लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने की मांग करती है। और अगर मौजूदा सरकार अपना बहुमत पेश नहीं कर सकती या पेश ना कर पाए, तो उसकी सरकार गिराई जा सकती है। दोस्तों, तो आपने एक बात और याद रखनी है कि अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही लाया जाता है। दोस्तों, आर्टिकल 118 में कहा गया है कि संसद का प्रत्येक सदन अपनी कार्यवाही के लिए नियम बना सकता है। इन्हीं नियमों के चलते 198 में अविश्वास प्रस्ताव का जिक्र किया गया है। दोस्तों, अविश्वास प्रस्ताव कम से कम 50 सदस्यों के दस्तखत से लाया जाता है। दोस्तों, सदन में वोटिंग के दौरान साधारण बहुमत की ज़रूरत होती है ताकि इसको पारित किया जा सके। यदि उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत है तो यह प्रस्ताव पारित हो जाता है और मौजूदा सरकार गिर जाती है। दोस्तों, अब हम इसके बैकग्राउंड के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, भारत की संसद ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली के मॉडल पर आधारित है, आप सभी जानते हैं। भारत के अलावा कनाडा और ऑस्ट्रेलिया भी इसी मॉडल पर अपनी पार्लियामेंट रखते हैं। दोस्तों, दुनिया का पहला अविश्वास प्रस्ताव ब्रिटेन में पेश किया गया था। ब्रिटेन में 1742 में रॉबर्ट वॉलपोल की सरकार के खिलाफ यह पारित किया गया था। दोस्तों, इटली में अविश्वास प्रस्ताव पारित करने के लिए संसद के दोनों सदनों की सहमति होनी ज़रूरी है। वहीं भारत के इतिहास में पहली बार विश्वास प्रस्ताव यानी अविश्वास प्रस्ताव नेहरू सरकार के खिलाफ जेबी कृपलानी ने पेश किया था सन 1963 में, जो पारित नहीं हो पाया था। दोस्तों, सबसे ज़्यादा बार इंदिरा गांधी सरकार ने इस प्रस्ताव का सामना किया, लगभग 15 बार। अविश्वास प्रस्ताव से गिरने वाली पहली सरकार मोरारजी देसाई की थी। दोस्तों, सन 1999 में एनडीए की सरकार सिर्फ एक वोट से विश्वास मत ना पाने से गिर गई थी। तो दोस्तों, आई होप आपको मेरा ये छोटा सा लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, तब तक के लिए पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। थैंक यू सो मच।